विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम क्लास 12 वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन किया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम लिखे। देखो केमिस्ट्री में भी फैराडे का नियम पढ़ना है लेकिन वो विद्युत अपघटनी सेल के लिए पढ़ना है, और फिजिक्स में भी पढ़ना है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए पढ़ना है फैराडे के नियम। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे साहब ने दो नियम दिए थे, पहला नियम और दूसरा नियम क्या था इसको समझेंगे। लेकिन इनका पहला नियम था किसी बंद परिपथ में, क्या था, किसी बंद परिपथ के लिए था कि किसी बंद परिपथ में जब उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होते हैं, लगातार जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां पर विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, और ये विद्युतवाहक बल तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। यही फैराडे साहब का क्या था, पहला नियम था। ठीक है, सभी का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा, इनका पीडीएफ देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करके भाषा भी सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो पहला फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो पहला नियम था वो नियम था कि किसी बंद परिपथ में जब फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होते हैं तो आप क्या उत्पन्न होगा, विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, और ये विद्युतवाहक बल तब तक रहेगा, क्या, ये विद्युतवाहक बल तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। रियल में फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होगा तब तक विद्युतवाहक बल वहां पर उत्पन्न होता रहेगा। ये पहला नियम था। क्या नियम था एक बार और समझ लीजिए, पहला नियम इनका यह था कि किसी बंद परिपथ में जब उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होते हैं तो वहां पर विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, और ये विद्युतवाहक बल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होते रहते हैं। पीडीएफ देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, दूसरा इनका नियम क्या था, देखो फैराडे साहब का जो दूसरा नियम था वो कहते हैं कि जो उत्पन्न विद्युतवाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, डी फाई बटा डी टी, कि वो फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, इसी कारण से जो विद्युतवाहक बल उत्पन्न हुआ वो किस में, फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ये फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए दूसरा नियम है। ठीक है ना, दूसरा नियम क्या है फिर से समझिए कि जो परिपथ में उत्पन्न विद्युतवाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, और जब तक परिवर्तन होते रहेगा तब तक विद्युतवाहक बल उत्पन्न होते रहेगा। इसका मतलब है कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, समानुपाती, यानी विद्युतवाहक बल जो है ना फ्लक्स में परिवर्तन के क्या हो जाते हैं, समानुपाती होते हैं। ये फैराडे साहब का चुंबकीय प्रेरण के लिए दो नियम थे। फिर से एक बार समझिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे साहब के कितने नियम, दो नियम। पहला नियम क्या था, पहला नियम यह था कि किसी बंद परिपथ में जब उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होते हैं तो वहां पर विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न होता है, विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, और ये विद्युतवाहक बल तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ये पहला नियम था। ठीक है, दूसरा इनका नियम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे साहब का दूसरा नियम था कि इसमें जो उत्पन्न ये विद्युतवाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो ये फैराडे साहब के कितने नियम हो गए बाबू, ये फैराडे साहब के दो नियम हो गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, नहीं तो इन सबका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा उसमें भाषा और लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बात मैं कहना चाहूंगा बाबू कि आपके लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स हमेशा लाते जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न कराते जा रहा हूं, और इन सभी का नोट्स आप तैयारी करते चलेगा ताकि आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मुझसे नोट्स लेना चाहते हैं, साइंस का, आर्ट्स का, मतलब किसी विषय का नोट्स लेना चाहते हैं आप, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर यहां से संपर्क कर सकते हैं, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है, या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस नंबर से आप संपर्क करिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।